नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है वैदिक एस्ट्रो के चैनल में। अभी मैं बाहर आया हूँ, दिल्ली से बाहर, और मथुरा में। जैसे कि आपको पता है, मथुरा नगरी जो है बहुत बढ़िया जगह है, और घूमने फिरने के लिए, दर्शन करने के लिए बहुत अच्छी जगह है। तो जैसे हम यहाँ आए, तो यहाँ पे हमने बहुत सारी चीज़ों को देखा, बहुत सारे, मैं कोशिश करूँगा कुछ चीज़ें मैं आप लोगों को शेयर कर सकूँ, दिखा सकूँ। लेकिन आपको ये भी जानना ज़रूरी है कि स्पिरिचुअली अगर हम एस्ट्रोलॉजी को समझते हैं और एस्ट्रोलॉजी के मीडियम्स को देखते हैं, तो ऐसे केस में हम इसको कैसे और एक्सप्लोर कर सकते हैं या इसमें कैसे और बेटर रिजल्ट ला सकें। तो उसके लिए देर इज़ वन ऑफ द वे जिसे हम स्पेशलाइज्ड यंत्रा कहते हैं, तो स्पेशलाइज्ड यंत्रा जो हम यूज़ करते हैं और बनाते हैं लोगों के लिए। लेकिन जो यंत्रा है या कोई या किसी भी तरह की रेमेडीज होती हैं, वो तभी काम करती हैं जब जाकर खुद उस पर बिलीव करता हूँ। और एनी केस, इफ यू आर नॉट बिलीविंग ऑन समथिंग, तो थिंग्स आर नॉट गोइंग टू प्रोड्यूस रिजल्ट। तो इस चीज़ पर आप ध्यान दें कि जब भी आप यंत्र बनवाते हैं, और स्पेशलाइज यंत्र जो होता है वो स्पेसिफिक वर्क के लिए होता है, चाहे आप प्रोफेशन के लिए कहें, चाहे आप हेल्थ इश्यूज़ के लिए कहें, चाहे आप मेंटल स्टेबिलिटी के लिए कहें, या लाइफ में वेल्थ के एक्युमुलेशन के लिए कहें। तो यंत्रा जो है कहीं ना कहीं एक स्पेसिफिक एक्शन के लिए करते हैं, और यंत्रा इज़ नॉट डूइंग मैजिक, ये हमें समझना ज़रूरी है। इट इज़ नॉट गोइंग टू डू मैजिक, बट दे आर गोइंग टू प्लेस यू इन अ कंफर्टेबल पोजीशन, और आपकी कुंडली को, आपके ग्रहों को वो बैलेंस करती हैं। और उनको हम, पहली बात तो जब भी हम यंत्र बना के देते हैं, आपको क्या प्रिकॉशन लेनी चाहिए, कैसे आपको समझना चाहिए जब आप यंत्र लेते हैं, तो ऐसे केस में यंत्र को आपको सेफ रखना है। आप ऐसी जगह रखें जहाँ पे वो स्वच्छ जगह हो। आप उसको या तो अपने वॉलेट में रखें, या तो आप उसको अपने पिलो कवर में रखिए, है ना। तो ऐसी जगह जहाँ से वो आपको अच्छा और एनर्जाइज दे सके। और हम जिस मॉडल पे यंत्र पे काम करते हैं, वी आर मेकिंग इट एवरी मंथ, वी आर नॉट गिविंग अ वन टाइम यंत्र। और अभी जो है, जिस हिसाब से इसकी डिमांड भी आ रही है, जिस हिसाब से इसकी रिजल्ट भी आ रहे हैं, पीपल आर रियली हैप्पी व्हाइल वी आर मेकिंग एंड शेयरिंग द यंत्र। सो इन एनी केस यू वॉन्ट टू मेक योर ओन यंत्रा, तो ऐसे केस में हमें आप कंसल्ट कर सकते हैं, और वी विल हेल्प टू बिल्ड यू एंड मेक यंत्रा। अब बात होती है कि जब भी हम सफ़र करते हैं, अभी जैसे मैंने अभी आई एम ट्रैवलिंग, है ना, तो ऐसे केस में कौन से घर एक्टिवेट होता है एस्ट्रोलॉजिकली अगर हम बात करें। तो स्पेसिफिकली अगर आप छोटी यात्रा कर रहे हैं, तो यू विल सी इन द दशा कि आपके तीसरा घर एक्टिवेट हो जाता है। जब आप कोई स्पिरिचुअल डेस्टिनेशन में जाते हैं, तो कहीं ना कहीं नौवा घर एक्टिवेट हो जाता है। कब, जब आप लंबी दूरी वाला यात्रा करते हैं, तो नौवा घर भी आ जाता है। जब हम इस शहर, इस देश से बाहर चले जाते हैं या विदेश की यात्रा करते हैं, तो वहाँ पे 3, 9, 12, ये तीनों ही दशाओं में एक्टिवेट हो जाता है। तो ये चीज़ें आप ज़रूर एक्सपीरियंस करेंगे, क्योंकि ज्योतिष जो है एक्सपीरियंस का नाम है। आप जितना एक्सपीरियंस करेंगे, जितना चेक करेंगे, उतना ही आपको चीज़ें पता चलेंगी, और आप बेहतर तरीके से ज्योतिष को और बढ़िया सीख पाएंगे। तो आशा करता हूँ इस वीडियो से भी आपको कुछ नया पता चला। और अगर आप पहली बार हमारे चैनल को देख रहे हैं, तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच।